गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन एकलव्य इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। बेटा, आपके जो पीटी फर्स्ट है उसके अंदर आपका सिलेबस जो है वो आपको मिल गया होगा आई होप। और उसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 आ रहा है फ्रॉम द केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 8 आ रहा है फ्रॉम द फिजिक्स, एंड बायो सिलेबस के अंदर आपका चैप्टर नंबर जो भी है प्लांट टिश्यू वाला वो आपका पोर्शन आ रहा है। तो आज अपन ले रहे हैं रिविजन क्लास ऑफ द चैप्टर नंबर 3, दैट इज एटम and its molecules. This is the revision class of this chapter. ठीक है, तो यहाँ पर एटम एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मेजरली, उनको आज अपन रिवाइज करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर भी कंसिडर करवाया था कि आपके जो लाइव क्लास में अपन ने मेजरली टॉपिक्स लिए थे फॉर्मूला फॉर्मेशन का, फॉर्मूले से नेम बनाने का, और एटॉमिक मास को कंसिडर करने का, उसके अलावा एवरेज एटॉमिक मास को कंसिडर करने का, और फॉर्मूला यूनिट मास जो अपन निकालते हैं वो है। उसके अलावा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है चैप्टर 3 का, दैट इज़ मूल कंसेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो अपन ने लाइव क्लास में डिस्कस कर लिया था उसको पहले आप समराइज तरीके से देख लीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक्स को अपन कंसिडर कर लेंगे। देखिए, सबसे पहले जो अपन ने लाइव क्लास में देखा था, दैट इज़ लॉज। लॉज में अपन दो लॉज की बात करते हैं, एक आपका होता है मास कंजर्वेशन लॉ, और सेकेंड जो होता है वो होता है आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने बात करी थी कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी अपन किसी रिएक्टेंट को एज अ प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रिएक्टेंट को कन्वर्जन में ला रहे होते हैं प्रोडक्ट में, तो बेसिकली होता क्या है कि जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उनका मास और जितने प्रोडक्ट्स होते हैं उनका मास, दोनों का क्या होता है बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन, बोथ विल बी इक्वल। उसे कहते हैं मास कंजर्वेशन। मीन्स अकॉर्डिंग टू द मास कंजर्वेशन लॉ, यू कांट क्रिएट द मास, यू कांट डिस्ट्रॉय द मास। ठीक है, इतना अपन कर चुके थे। एग्जाम्पल भी अपन ने लिया था C+O2 वाला, जिसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों को कंबाइन करेंगे, 44 μ जो आपका मास आएगा वो एज अ प्रोडक्ट भी आपको उतना ही मिलेगा। कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन में अपन ने देखा था कि जब भी किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है विद द हेल्प ऑफ द एटम्स, तो जब वो कंबाइन होते हैं तो वो एक कॉन्स्टेंट रेशियो में, मास रेशियो के अंदर कंबाइन होते हैं। जैसे कि वाटर फॉर्मेशन के बारे में अपन बात करी थी, तो उसमें दो एलिमेंट्स हैं आपके पास, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, और उनका रेशियो अपन ने लिया था 1:8, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे एज अ टू एलिमेंट्स यहाँ यूज़ हो रहे हैं, ऑक्सीजन एक ही एलिमेंट है, तो आप हाइड्रोजन के दो एलिमेंट्स का मास यहाँ कंसिडर करेंगे जो कि 2 μ आएगा, और ऑक्सीजन का कंसिडर करेंगे 16। सिंपलेस्ट रेशियो आपके पास आ जाएगा 1:8। उसके बाद जब अपन चलते हैं तो फिर अपन बात करते हैं आपके एटॉमिक मासेस की। एटॉमिक मास की अगर अपन बात करते हैं तो आपको पता है कि सबसे पहले जब स्टार्टिंग के अंदर एटॉमिक मासेस को लिया गया था तो एक सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड यूनिट के बेस पे उन्हें लिया गया था। हाइड्रोजन को एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट अपन ने पहले कंसिडर किया, ऑक्सीजन को कंसिडर किया, आफ्टर दैट इन द प्रेजेंट टाइम वी आर कंसिडरिंग द कार्बन 12 आइसोटॉप एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो उनके बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि उन्हें क्यों यूज़ किया गया था और फिर उनकी क्या ड्रॉबैक्स रही। उसके बाद की अगर अपन बात करें कि सिंबलाइजेशन कैसे आया एलिमेंट्स का, एटम्स का कैसे सिंबलाइजेशन आया, तो आपके पास कुछ इसके रिगार्डिंग पोस्टुलेट्स हैं जो बर्जेलीस ने दिए थे। तो उनके अकॉर्डिंग आप जानते हैं कि किसी भी एलिमेंट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो शुरुआत के तौर पे जब सबसे पहले इनको सिंबलाइज किया गया था तो कुछ पिक्चर्स के थ्रू सिंबलाइज किया गया था, बट आफ्टर द टाइम जो कि सिंबलाइजेशन थोड़ा मतलब इनकन्वीनियंट लगा जो पिक्चराइज्ड फॉर्म में था, तो फिर आफ्टर सम टाइम ये जो सिंबलाइजेशन था वो आ गया लेटर्स के बेस पे, कि फर्स्ट लेटर को एज अ सिंबल किया जाने लगा। फिर जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी ज़्यादा होती गई तो फर्स्ट लेटर सिमिलर आने लगे, तो फिर उसके बाद कंसिडरेशन आया कि ठीक है भाई, जिनका फर्स्ट लेटर सिमिलर है उसके साथ उनका सेकेंड लेटर भी यूज़ किया जा सकता है, और कई ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके लिए अपन थर्ड लेटर को, प्रोमिनेंट लेटर को भी उनके नेम के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जिंक, मैग्नीशियम, ये जो होते हैं एग्जांपल्स, क्रोमियम है, इनके अंदर अपन थर्ड लेटर को यूज़ करते हैं। ZINC होता है तो ZN से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड लेटर की बजाय थर्ड लेटर अपन यूज़ कर रहे होते हैं।
तो यहाँ पर प्रोमिनेंट लेटर यूज़ कर रहे होते हैं। फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग कुछ के नेम्स जो हैं वो लैटिन वर्ड के अंदर ही ले लिए गए, जैसे कि सोडियम को नेट्रियम कहा जाता है तो Na ले लिया गया, है ना, पोटेशियम को कैलियम कहा जाता है तो K ले लिया गया। तो ये कुछ पॉस्टुलेट्स हैं जिनको आप पहले लर्न करेंगे, ठीक है। उसके बाद इनकी ड्रॉबैक्स देखेंगे कि ड्रॉबैक्स क्या थी, फिर इनको रिप्रेजेंट करने के, जैसे डॉल्टन्स के पोस्टुलेट्स आए तो उनकी ड्रॉबैक्स क्या रही, तो ड्रॉबैक्स को भी कंसिडर करिएगा, ठीक है। आफ्टर दैट जो टॉपिक है आपका एटॉमिक मासेस के बाद वाला, वो है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। और फिर आयंस का आ जाता है कि आयंस कितने टाइप्स के होते हैं, जो कि फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी है। तो एटॉमिक मास की अगर कंसिडरेशन अपन ले, एवरेज एटॉमिक मास की कंसिडरेशन अगर अपन ले, तो उसमें मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था किसका, क्लोरीन का, कि क्लोरीन के दो आइसोटॉप्स होते हैं, एक 35 और एक 37, जो कि नेचर में जिनकी अबंडेंस जो होती है वो 3:1 होती है। तो अपन ने उसका एवरेज एटॉमिक मास 35.5 कंसिडर कर लिया था। किस तरीके से किया था वो आपको पता है कि Cl35 और Cl37, इन दोनों का जो अबंडेंस अपन ने लिया था वो लिया था 3:1 का। अब इसके अंदर जब अपन ने इनका एवरेज एटॉमिक मास निकाला था, तो इसमें क्या किया था, 35 को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, 37 को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर इनके रेशियोज के सम को एज अ डिवाइडेशन अपन ने यूज़ कर लिया। तो यहाँ पर अपन ने किया था 105 और 37 को ऐड करके 4 से डिवाइड, 142 को डिवाइड किया था 4 से, और ओवरऑल आपको एवरेज एटॉमिक मास मिला था 35.5 म्यू, ठीक है। ऐसे ही एक होता है फॉर्मूला यूनिट मास, जो कि लाइव क्लास में अपन नहीं ले पाए थे, तो मैं बताती हूँ फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है। FMU इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर द फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास के लिए आप ठीक है, इसको फॉर्मूला यूनिट मास को किस तरीके से कंसीडर करेंगे। देखिए बेसिकली जो ये फॉर्मूला यूनिट मास जो निकाला जाता है वो किसके लिए निकाला जाता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि उन्हें फॉर्मूला यूनिट कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लें, NaCl हो गया, CaCl2 हो गया, या फिर MgO हो गया, MgCl2 हो गया, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ द आयंस, एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स से जो आयन फॉर्मेशन होता है उनके अट्रैक्शन फोर्स से ये बनते हैं। तो इनका जो मास निकाला जाता है उसे कहा जाता है, हम क्या बोलेंगे उन्हें, फॉर्मूला यूनिट मास। जस्ट लाइक वी आर टेकिंग हियर एग्जाम्पल ऑफ कॉमन सॉल्ट, दैट इज NaCl। तो यहाँ पर Na और Cl दो एलिमेंट्स हैं जिन्होंने ये फॉर्मूला यूनिट बनाया है। तो सबसे पहले मास किसका लिया जाएगा, Na का, इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। वैसे ही Cl का मास लिया जाएगा और इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। जस्ट लाइक इफ यू आर टेकिंग द मास ऑफ द सोडियम, देन यू विल राइट 23 म्यू मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज सोडियम इज 1 हियर। आफ्टर दैट क्लोरीन से Cl, एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करोगे आप यहाँ पे, तो Cl के लिए 35.5 म्यू इंटू 1, यहाँ पे आ गया आपका 23 और 35.5 म्यू एज इट इज, ठीक है। ऐड कर लीजिए इसे, तो 58.5 म्यू आपके पास क्या आ गया, इसका फॉर्मूला यूनिट मास आ गया। ऐसे आप CaCl2 का निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे, CaCl2 का निकालने के लिए आपको Ca का मास लिखना पड़ेगा, 40 म्यू मल्टीप्लाइड बाई 1, बिकॉज कैल्शियम इज 1 हियर। क्लोरीन का कितना होता है, 35.5 इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 2 है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपको 2 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे तो 40 आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, 5 10, फिर 5 2 10 11, 3 2 6 6 हो गए, 71 म्यू, ठीक है। इसके बाद ऐड कर लीजिए इसको, ये आ गया 1111 म्यू, ये आ गया फॉर्मूला यूनिट मास फॉर द CaCl2। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा। इसके बाद लेते हैं अपन
आयन्स का फॉर्मेशन। देखिए आयन के अंदर अगर अपन देखें तो आयन होता क्या है, चार्ज स्पीसीज को अपन आयन बोलते हैं। कोई भी चार्ज स्पीसीज जो होती है उसे आयन कहा जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज है या नेगेटिवली चार्ज है, उसके बेस पे अपन उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। तो आयन्स जो होते हैं वो आयन्स होते हैं चार्ज स्पीसीज। तो चार्ज स्पीसीज आपकी दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज को आप बोलेंगे कैटायन और नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज को आप बोलेंगे एनायन। ठीक है, इसके बाद जैसे कैटेगराइज करें एनायन और कैटायन को, तो ये डिपेंड करता है कि एटम्स कितने हैं इनके अंदर। तो मोनो एटॉमिक हो सकता है या फिर डाई एटॉमिक हो सकता है। ठीक है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और फिर पॉली एटॉमिक। वैसे इसके अंदर इतना कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं होती है, दो ही कंसिडर किए जाते हैं, मोनो और पॉली एटॉमिक। तो इनमें आयन्स को जब अपन कंसिडर करते हैं, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक, तो बेसिकली क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि फॉर्मूला फॉर्मेशन में आपको इसकी नीड होती है। जब भी आप फॉर्मूला फॉर्म करते हैं तो मोनो एटॉमिक के लिए अलग रूल्स होते हैं, पॉली एटॉमिक के लिए ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ता है। तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि आप जो आयन्स ले रहे हैं, इवन यू आर टेकिंग द पॉजिटिव आयन एज अ पॉली एटॉमिक और इवन यू आर टेकिंग द नेगेटिव आयन एज अ पॉली एटॉमिक, वट एवर द सिचुएशन, बट यू अप्लाई द ब्रैकेट फॉर द बोथ कंडीशन। आपने पॉजिटिव लिया है तो भी आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा, और नेगेटिव पॉली एटॉमिक लिया है तो भी आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। इन दैट सिचुएशन इफ़ यू आर टेकिंग द वैलेंसी फॉर दैट पॉली एटॉमिक आयन मोर देन वन, यानी वैलेंसी अगर आपने क्रॉस ओवर के अंदर अगर मोर देन वन लगानी है उसके नीचे, चाहे वो आपने पॉजिटिव आयन लिया हो चाहे वो आपने नेगेटिव आयन लिया हो, बोथ कंडीशंस के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन अगर अपन देखें कि फॉर्मूला फॉर्मेशन होता कैसे है, तो मैंने कुछ पोर्शन इसका आपको लाइव क्लास में भी दिया था, और जिन्होंने अटेंड नहीं करी तो मैं बता दूं आपको कि फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करनी होती है। जैसे कि आपको नेम कुछ भी दिया हुआ हो, जैसे मैं आपको दूं कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है, ये नेम दे दिया मैंने आपको और बोला कि इसका फॉर्मूला फॉर्म करिए। तो इसके फॉर्मूला फॉर्म करने के लिए सबसे पहले स्टेप क्या होगी कि इनके सिंबल्स को लिखना है, पॉजिटिव वाले को और नेगेटिव वाले दोनों को। कैल्शियम के लिए आप यूज़ करते हैं सी, और सल्फेट के लिए आप यूज़ करते हैं SO4। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू राइट डाउन द सिंबल्स फॉर द आयन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन द सेकेंड स्टेप यू विल राइट डाउन द वैलेंसीज एंड चार्ज ऑफ द, ये जो सिंबल्स आपने लिखे हैं उनके आपको चार्ज या फिर वैलेंसी आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि इसकी जो वैलेंसी है दैट इज +2। वैसे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज इन द नेक्स्ट स्टेप वी विल राइट द सिंपलेस्ट रेशियो। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होती है उसे सिंपलेस्ट रेशियो में अपने को लेना होता है। सिंपलेस्ट रेशियो मतलब ये किसी नंबर से अगर कट हो रहे होते हैं तो पहले उन्हें कट किया जाएगा और फिर उसे सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाएगा। तो ये 2 से कट हो रहे हैं वन वन टाइम। आफ्टर द टेकिंग ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो यू विल क्रॉस ओवर द वैलेंसीज टू ईच अदर, यानी इसकी वैलेंसी इसके फुट में चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके फुट में चली जाएगी। फोर्थ स्टेप में आपको देखना होगा कि कोई पॉलीएटॉमिक आयन तो नहीं है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, और क्या वैलेंसी जो नीचे से जा रही है वो मोर देन वन तो नहीं है। अगर मोर देन वन होगी तो आपको ब्रैकेट अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पॉलीएटॉमिक है तो सही, लेकिन यहाँ पर वैलेंसी जो आप जा रहे लेके जा रहे हो एज अ सब स्क्रिप्ट वो वन ही है, मोर देन वन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस स्टेप में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं CaSO4, ठीक है, क्योंकि वन वन को लिखना इतना नीडेड नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना होता है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि नेम आपको नहीं दिया होता, फॉर्मूला दिया हुआ होता है और फिर उसके लिए आपको नेम उसके लिए लिखना होता है। तो उसके लिए रूल है कि आप कैटायन की जब भी आप लिखें नेम, तो कैटायन जो होता है यानी फ्रंट फुट पे जो लिखा हुआ होता है आयन, वो आयन जो होता है वो कैटायन होता है बेसिकली, और उसके अंदर आपको क्या जोड़ना पड़ता है, उसके नेम के अंदर ईएम जोड़ना पड़ता है, IUM। और जो सेकंड नंबर पे लिखा होता है एनायन की फॉर्म में, उसके पीछे आप या तो जोड़ते हैं
एट ए टी ई, या फिर जोड़ते हैं इड आई डी ई, जैसे क्लोराइड सल्फाइड ऑक्साइड, इनमें इड जुड़ता है, जबकि कार्बोनेट सल्फोनेट है ना सल्फेट, इनके अंदर एट जोड़ा जाता है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो मैंने आपको भेजे थे नेमिंग के लिए, तो उनको कंसिडर करिएगा। इसके बाद अगर अपन देखें तो आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका बच जाता है, दैट इज़ द मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स नंबर होता है जिसको अपन बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। ये फिक्स नंबर आपके, चाहे वो एटम ले रहे हो आप, चाहे वो मॉलिक्यूल ले रहे हो, सबके लिए ये सेम ही होता है। और इसमें आप कंसीडर करते हो मोल कंसेप्ट के अंदर कि एक मोल के अंदर, चाहे वो एटम का लिया हो चाहे मॉलिक्यूल के लिए हो, उसका जो ग्राम मास होता है वो उतना है। जैसे कि आप किसी को भी कंसिडर कर लिए, जैसे ऑक्सीजन को कंसिडर कर लो, कार्बन को कंसिडर कर लो। कार्बन का आपने क्या ले लिया, कार्बन का वन मोल आपने कंसिडर कर लिया, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास कितना होगा उस टाइम पर, 12 म्यू ग्राम एटॉमिक मास होगा। उस कंडीशन में इसमें कितने एटम्स एग्जिस्ट करेंगे कार्बन के, वो एक फिक्स नंबर होता है, दैट इज नोन एज अ एवोगाड्रो नंबर, एंड दैट इज फिक्स नंबर 6.022 × 10²³। अब यहाँ पर कार्बन एक अकेला है तो यहाँ लिखेंगे हम एटम, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो जैसे वाटर मॉलिक्यूल आपने ले लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल का आपने क्या ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल का वन मोल आपने यहाँ पर ले लिया, तो इसके अंदर आपके पास पता है इसका कि इसका आपके पास जो मॉलिक्यूलर मास आएगा वो कितना आएगा, 18 μ आएगा, है ना। 18 μ नहीं लिखोगे आप क्योंकि ग्राम मास ले रहे हो, तो यहाँ पे जी लिख दीजिए, यहाँ पे भी जी लिख दीजिए, तो यहाँ पर 18 γ मास होगा इसका। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे वाटर के, दैट इज द फिक्स 6.022 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सो दिस इज अ बेसिकली मोल कंसेप्ट विच इज कंसीडर फॉर द एटम्स एज वेल फॉर द मॉलिक्यूल्स ऑल्सो। देखिए इसके अंदर आपके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनको आपको कंसिडर करना होगा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे आप, तो उसके लिए मैंने आपको कुछ फॉर्मूलाज सेंड किए थे गिवन मास और मॉलिकुलर मास के बेस पे, मोल कितने निकालने होते हैं, जैसे n इज इक्वल्स टू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल m होता है, या फिर गिवन एटम या पार्टिकल नंबर्स या फिर मॉलिक्यूल्स नंबर्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये दो फॉर्मूलाज है जिनसे मॉडिफाइड कई आपके पास फॉर्मूलाज बन जाएंगे, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल m, और एक है एन डिवाइडेड बाई एन नॉट। इन दो फॉर्मूलाज के बेस पे अपन न्यूमेरिकल्स को कंसिडर करेंगे जिसमें आपके वैल्यूज डिफर होने की वजह से इनका मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो ये आपके मूल कंसेप्ट के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो इस चैप्टर में तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समराइज रिविज़न था चैप्टर नंबर 3 का, जिसके अंदर ब्रॉडली थोड़ा थोड़ा मैंने सबका पार्ट ले लिया है। इसके अलावा भी अगर आप थ्योरी पार्ट पे जाएं तो डेफिनेशंस हैं, जैसे मास कंजर्वेशन लॉ की डेफिनेशन है, और डाल्टन के पोस्टुलेट्स हैं, डाल्टन्स के ड्रॉबैक्स हैं, उसके अलावा एलिमेंट की डेफिनेशन है, और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन है, कंपाउंड की डेफिनेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कंसिडर करें, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 इतना कोई मतलब टिपिकल चैप्टर नहीं है, और इस चैप्टर को अपन ने 2 से 3 बार रिवाइज भी कर लिया है। तो आई होप कि आपको ये अंडरस्टूड हुआ होगा, और फिर भी प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे सेंड करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम्स जहाँ तक हो सकेगा सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और बिफोर द एग्ज़ाम आई थिंक कि आपकी एक लाइव क्लास और आ जाएगी, तो उसके अंदर भी अपन कुछ पोर्शन इसका डिस्कस कर सकते हैं, इफ़ यू विल सेंड मी योर प्रॉब्लम, ठीक है। उन प्रॉब्लम्स को अपन उस लाइव क्लास में ले लेंगे, वैसे बेसिकली वो लाइव क्लास आपकी फिजिक्स की होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप खुद पहले इसको स्टडी करिए चैप्टर को, और इनकी इस चैप्टर से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स है उसे निकालिए और फिर मुझे उसे भेजिए, ताकि मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।